हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। टाटा स्टील ने जैसे कि एक साल पहले कहा था कि डेब्ट कम करेंगे, तो स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था, उसी तरह की खबर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी आ रही है और बड़ी खबर है ये। एक साल के अंदर ये अपना डेब्ट कम करेंगे, आगे हम वीडियो में देखते हैं अभी। और एक तरह से जो जार्वो सनसनी बना हुआ है क्रिकेट में, डेनियल जार्विस, उसी तरह की खबर रह सकती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए। यूट्यूब चैनल इंडिया दिग्गज सिंह के स्टॉक्स में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसके फाइनेंशियल नंबर्स की भी बात करेंगे। पिछले एक साल में जिन निवेशकों ने इसको लिया था, मुनाफा बना हुआ है निवेशकों का, पिछले तीन महीने के अनुसार देखते हैं तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो रही है ऊपर के लेवल पे। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार देखेंगे कि सितंबर के महीने में क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर कोई जैसे 118 में स्टॉक प्राइस है, अगर हम ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हम चार्ट पैटर्न के अनुसार देखेंगे पिछले तीन चार महीने का किस तरह का चार्ट बना हुआ है। और इसने हाई किया था 151 रुपया दोस्तों, तो वहाँ तक तो अभी गया नहीं। पिछले तीन महीने से देखते हैं तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो रही है, ऊपर के लेवल से गिरावट हो रही है। और सपोर्ट क्या होगा उसकी भी बात करेंगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं, तो जिस तरह की खबर है इसमें काफ़ी तेजी होने की संभावना है। और डेब्ट कम करने वाली की जो खबर है दोस्तों, एक तरह से जार्वो जो हेल्प करने जा रहे थे, डेनियल जार्विस जो इंडिया को हेल्प करने जा रहा था बैटिंग के लिए, तो उसी तरह से अगर आने वाले समय में डेब्ट कम होता है तो निवेशकों को काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है दोस्तों। एक बड़ी खबर आ रही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में और सेल कंपनी के बारे में। देखिए, इनका जो लक्ष्य है वो है डेब्ट कम करने का अगले एक साल में, FY22 में। और खबर ये है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एमिंग एट रिड्यूसिंग इट्स नेट डेब्ट टू रेंज ऑफ ₹15,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ इन द करंट फिजिकल ईयर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इफ़ द प्राइजेस एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी रिमेन स्टेबल, साथ में इन्होंने ये कहा है कि इफ द प्राइजेस एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी रिमेन स्टेबल, प्राइस और डिमांड अगर स्टेबल रहता है तो एक तरह से ये डेब्ट कम करेंगे। द महारत्ना पीएसयूज हैज अराउंड 30,000 करोड़ नेट डेब्ट एज ऑफ June 30, 2021। तो ये अच्छी खबर है और डेब्ट कम करने की उम्मीद रहेगी कंपनी के लिए, बेहतर रहेगा। स्टॉक प्राइस एक तरह से देखिए लगभग 100 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है अभी। मार्केट कैप की बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, इस वक्त 48,843 करोड़ का हो गया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और बुक वैल्यू पर शेयर 109 रुपये का है। और EPS की बात करते हैं 22 का है। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो तीन साल का रिटर्न है 52% का निवेशकों को रिटर्न मिला है और एक साल का रिटर्न है 190% का दोस्तों। और तीन महीने का रिटर्न देखते हैं तो माइनस में है और एक तरह से देखिए 115 से 140 के बीच घूम रहा है पिछले कुछ समय से। और एक साल और तीन साल का रिटर्न बढ़िया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। आगे आने वाले प्लस दो साल और अगर हम रखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, और यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। अब जैसे कि डेब्ट रिड्यूसिंग की बात है तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट एक साल में कितना डेब्ट कम होता है कंपनी की तरफ से। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो June 2021 में 20,754 करोड़ का टोटल इनकम था। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 3,835 करोड़ का था, 3,835 करोड़ का था। तो पिछले साल तो देखिए एक तरह से कम था क्योंकि तब लॉकडाउन था। अब की बार का जो क्वार्टर है उसमें भी अच्छा आना चाहिए। और स्टॉक प्राइस देखिए एक तरह से रेंज में घूम रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है 65% की है, और FIIs की जो होल्डिंग है दोस्तों वो है 5% की है, और DIIs की जो होल्डिंग है वो है 15.64% की है। तो एक तरह से देखिए महारत्न कंपनी है, अब अप ट्रेंड में स्टॉक है, बट तीन चार महीने के अनुसार देखते हैं तो रेंज बाउंड कारोबार कर रहा है। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं अब। और स्टॉक में ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव बना हुआ है पिछले कुछ महीनों से। अगर हम मई के महीने से देखें तो मई के महीने में देखिए इसने एक हाई बनाया था 10/5/2021 को, जो टाइम था उस दिन लगभग ये 151.30 रुपये इसने हाई बनाया, और वहाँ से एक तरह से देखिए मुनाफा वसूली हो रही है। पिछले तीन चार महीने में अगर देखें रेंज में घूम रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल का देखें, देखिए 5/8/2021 को अगस्त में ये लगभग ऊपर की तरफ था, लगभग 145-146, फिर से देखिए एक तरह से मुनाफा वसूली हुई है। तो ये एक रेंज में घूम रहा है नीचे की तरफ, लगभग मान के चलिए लास्ट जो लो था इसका 112.55 रुपये, ऊपर की तरफ 146।
और अभी देखिए जो सपोर्ट रहेगा इसका, जैसे कि स्टॉक प्राइस अभी ये 118.25 रुपये में क्लोजिंग आई है। लास्ट अगर हम कैंडल को देखें तो ग्रीन है ये, 116.50 रुपये ओपन हुआ है, 119.25 रुपये हाई बना है, 116.50 रुपये लो है। तो जो इंट्राडे कर रहे हैं, अगर 116.50 रुपये को स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो लास्ट जो इसका लो है 112.55 रुपया स्टॉप लॉस होना चाहिए इंट्राडे वालों का भी, और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं तो लगभग 110 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इसमें देखिए क्या है कि ऊपर का अगर जो रेजिस्टेंस रहेगा, अगर किसी ने 118 में लिया, रेजिस्टेंस जो रहेगा 122 रुपया रहेगा, 122.10 रुपये या 30 पैसे के आसपास। उसके बाद रहेगा 127 रुपया, उसके बाद रहेगा 127, और उसके बाद रहेगा देखिए 134 से 135। अगर 135-136 के ऊपर क्लोज होता है तब फिर ये 145 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो सितंबर के महीने में 128 के लेवल को देख लिए, 127-128 के लेवल को देखना चाहिए, उसके बाद 135 तो जो भी ट्रेड कर रहे हैं। और 116 रुपये को स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते हैं तो 112.55 रुपये होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए अगर कोई ले रहे हैं तो उसमें उतार चढ़ाव तो होता ही है। कोई भी शेयर अगर अपने लास्ट ट्रेड के लो को ब्रेक करता है तो फिर और नीचे की आने की संभावना रहती है, बट सेल एक तरह से रेंज बाउंड में घूम रहा है, और अगर ये 100 के आसपास दिखता भी है तो बाउंस बैक बहुत तेज़ी से होगा। अभी जो बेरिश मोड है तो एक तरह से ओवरसोल्ड की भी स्थिति हो जाएगी। देखिए ये एक तरह से देखिए RSI 29/7/2021 को ये ओवरबॉट की स्थिति थी, देखिए उसके बाद ऊपर के लेवल से एक तरह से डाउन ट्रेंड में, अभी 38 में है देखिए RSI। अब थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अगर नीचे की तरफ भी आता है स्टॉक तो बाउंस बैक बहुत तेज़ी से होगा। तो कहने का मीन्स ये है कि अगर ये नीचे की तरफ दिखता है, मेटल सेक्टर को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी है थोड़ा समय, 2-3 महीना 6 महीना और देना चाहिए, डेफिनेटली ये 151 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर और तेज़ी की संभावना रहेगी। मीन्स जो तेज़ी होगी, बड़ी तेज़ी होगी, अपने 52 हाई को ब्रेक करेगा तब इसमें और तेज़ी की संभावना रहेगी। जिस तरह की खबर है साल भर और देखना चाहिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जिनके पास समय है टाइम है डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। और जो ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो बताने की कोशिश है चार्ट पैटर्न के अनुसार देख सकते हैं, जहाँ भी ट्रेड करें तो एक तरह से जो रूल है 2-2.5% का स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। आप इंट्राडे हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए, तो 2-2.5-3% का स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, उसी तरह से मुनाफा वसूली हुई होना चाहिए। तो सितंबर के महीने में ये इस लेवल को 127-135 के लेवल को ऊपर की तरफ और नीचे के लेवल पे लगभग 110 या 112.50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए बाय साइड में। और जो खबर बनी हुई है, एक साल अगर समय देंगे तो डेफिनेटली ये और अच्छा रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। पिछले एक साल में तो बढ़िया रिटर्न दिया है, एक तरह से रडार में भी था ये स्टॉक, तो आने वाले समय में जिस तरह की खबर है 151 को भी ब्रेक करेगा। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है दोस्तों। और जो लेटेस्ट न्यूज है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, डेप्ट कम होगा आने वाले समय में। YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।